पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान दरारें मजीद गहरी हो गई हैं। शो कॉज नोटिस के जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी सवालात की बौछार कर दी। फजलुर रहमान और मरियम नवाज की बीमारी पर ही सवालात उठा दिए गए। वस्ती पंजाब ने 11 नकाती चार्जशीट तैयार कर ली। फैसल करीम गुंडी कहते हैं शो कॉज का जवाब देंगे, सरबरा इजलास में जवाब भी मांगेंगे। पीडीएम के नहले पर पीपी का तहला, इस पे अख्तलाफ में अख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई। पीडीएम ने शो कॉज के जरिए कुछ जवाब मांगे, पीपल्स पार्टी ने उल्टा सवालात की बौछार कर दी। जराए के मुताबिक पीपी ने फजलुर रहमान और मरियम नवाज की बीमारी पर सवालात उठा दिए। पूछा, लॉन्ग मार्च का ऐलान करके बीमार हो जाने के पीछे हकायक क्या हैं? मौलाना और मरियम दोनों के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं, इसके बावजूद लॉन्ग मार्च पर दोनों की खामोशी मायने खेज है। पीपल्स पार्टी तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी, नून लीग और जेयूआई ने क्या किया? फैसल करीम गुंडी के मुताबिक शो कॉज का जवाब देंगे, सरबरा इजलास में जवाब भी मांगेंगे। जराए के मुताबिक पीपी वस्ती पंजाब ने 11 नुकाती चार्जशीट तैयार कर ली। चार्जशीट में आजम तारड़ की नामजदगी पर सवाल उठाया गया। अपोजिशन लीडर की नामजदगी समेत दीगर उमूर पर भी आड़े हाथों लिया गया।